जी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2008। ये हमारा बीआरएस की डेट है जिस डेट पे हम लोग बनाएंगे। आगे इन्होंने लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर, आप बना के देख लो कैश बुक। भाई एक छोटा सा कैश बुक अगर आप बनाते हो ऐसे है, ये कैश बुक, ये साइड है आपका डेबिट और ये वाला साइड है, बताओ ये प्लस या माइनस? ये वाला। तो ये डेबिट बैलेंस का क्या मतलब, प्लस या माइनस? प्लस। समझ में आई बात? अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक अगर दिया हुआ है तो सारे चेंजेस किस में करेंगे? बोलो बोलो, कैश बुक में ही तो चेंज करेंगे हम। और इसको किसकी तरह बनाने की कोशिश करेंगे? पासबुक की तरह। तो एक बार पहले फॉर्मेट बना लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। आइए बेटे इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे पास गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसको लिख लेते हैं। जैसा क्वेश्चन ने बोला है बिल्कुल वैसी पॉइंट यहाँ पे डाल दिया हमने, और यहाँ पे डेबिट बोला है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बताइए कौन किस में वैल्यू लिखूँ बेटा? प्लस में। कितना लिख दूँ? 10,000। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना अपने, चलें आगे बढ़े। नोट कर लिया? अब इधर ध्यान दीजिएगा। अ चेक फॉर ₹500 इशूड इन फेवर ऑफ करण, चेक फॉर ₹500 इशूड, इशू करने का काम किसका बेटा? कैश बुक के अकाउंटेंट का। और इसने इशू किसके नाम से किया? चेक करण के नाम से, एक चेक बना के उसको दे दिया। हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो भाई साहब अब तक पेमेंट के लिए बैंक ही नहीं पहुंचे। तो बताइए आप मुझे कि ये जो कैश बुक है और पासबुक की अगर बात करें, तो जब कैश बुक ने चेक इशू कर दिया था तो इसने प्लस किया था या माइनस? और पासबुक ने बेटा कुछ भी नहीं, इसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो चेक उसके पास अभी तक पहुंचा ही नहीं है। समझ में आई बात? अब बताइए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनना चाहता है? कैश बुक। कैसे मालूम चला? बैलेंस है, जो बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में। तो ये इसमें आपने 10, ये कितना वैल्यू था बेटा? 500 है। ओके, तो कैश बुक कह रहा है कि मुझे किसकी तरह बनना है, तो चेंज किस में करेंगे? कैश बुक में चेंज कर देंगे। ठीक है जी, क्या करूं बताओ? बताओ, प्लस 500 कर देंगे। तो जब कैश बुक को हमें पासबुक की तरह बनाना है तो प्लस में 500, और यहाँ पर लिखेंगे बेटा चेक्स। नोट कर लिए साथ साथ में, चेक्स इशूड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और ये वैल्यू कितनी है? 500। किस में लिखना है बेटा? प्लस वाली साइड में 500। समझ में आ गई बात? चले आगे। आई जी सेकंड पॉइंट पे, थर्ड सॉरी, और ध्यान दीजिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अ बिल फॉर ₹700 रिटायर्ड बाई बैंक। बेटा ये रिटायर्ड बाई बैंक का मतलब है, रिटायर्ड का मतलब है यहाँ पे पेड। अ बिल फॉर ₹700 पेड बाई, एक बिल की पेमेंट किसने करी? बैंक ने। अच्छा, आजकल अगर आप फोन पे या पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे आप ना मेंशन कर सकते हैं कि हर महीने आपके, जैसे आपने कोई डेट डाल दी, कोई पोस्ट डेटेड डेट डाल दिया, तो उस डेट पे जाके आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। कई सारे ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसमें इन्वेस्ट करना है, तो पर डे आप अपने पेटीएम में से ₹100 हटाते रहिए, आपके अकाउंट से कट के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो बोलते हैं ऑटोमेटिक पे करना है क्या, तो आप एक बार उसको कर दीजिए, वो खुद ब खुद बिल आपका हर बार क्या करेगा, आपके अकाउंट से पे कर देगा। ऐसी पहले भी बैंक में ये काम होता था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं इस बात को।
कि हमने ये इंस्ट्रक्शन पहले दे रखा है। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मैंने बैंक से ये बात को पहले ही स्कूल फीस वगैरह उनको समझा दिया और वो हर महीने उतना पैसा डिडक्ट करके मेरे अकाउंट से कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, स्कूल के अकाउंट। समझ रहे हैं? तो ऐसा प्रोसेस बैंक वाले करते हैं। यहाँ पे भी बैंक वालों ने एक बिल जो है 700 का था वो पे कर दिया। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा आपके पास आता है कोई बिल कि आप ऐसा करिए पेटीएम से पे करेंगे तो 10% ऑफ है, होता है ना? फ़ोन पे से कुछ और मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन बुकिंग से पेमेंट करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो कुछ और तरीके का ऑफर मिलेगा आपको। ऐसे यहाँ पे बिल था एक 700 रुपये का, बैंक ने पे किया अंडर अ रिबेट। बोले तो यहाँ पे आप रिबेट को क्या समझेंगे? डिस्काउंट। और उसमें हमें डिस्काउंट कितने का मिला? तो बताओ, बैंक मेरे अकाउंट में से जो पैसा डिडक्ट करेगा बैंक, वो बेटा 700 करेगा क्या? बिल 700 का था लेकिन पेमेंट तो डिस्काउंट के बाद कर रहा है बैंक। समझ पा रहे हैं? तो बैंक से कितना पैसा डिडक्ट होगा? कितना होगा? 680 रुपीज़ बैंक से डिडक्ट होंगे। द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिट इन द कैश बुक। क्या ये बात तो बैंक पे ख़त्म हो गई यहाँ तक कि बैंक ने क्या किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो अकाउंटेंट है बेटा, दो अकाउंटेंट है, एक कैश बुक का अकाउंटेंट और एक पासबुक का, बता सकते हो कैश बुक पासबुक के अकाउंटेंट ने क्या किया? माइनस किया। कितना कितना माइनस किया बेटा? 680 माइनस किया। क्या कैश बुक के अकाउंटेंट की अगर बात करें, लिखा हुआ फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिट इन द कैश बुक। कैश बुक में क्रेडिट का मतलब जानते हैं आप? कैश बुक में क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। तो इसका मतलब है कि कैश बुक में माइनस हुआ है फुल अमाउंट। बिल का अमाउंट कितने का था बेटा? अच्छा, कैश बुक के अकाउंटेंट को बेचारे को पता ही नहीं, उसके यहाँ बिल आया, उसने देखा अच्छा बिल है तो बिल तो इतनी का ही होगा, उसने एंट्री डाल दी 700 रुपये, उसने कैश बुक में दिखा दिए। जबकि बैंक से पेमेंट करने पे ना 20 रुपये का हमें डिस्काउंट भी मिल गया था। तो बैंक में से तो पैसा कितना डिडक्ट हुआ? सिर्फ 680। और कैश बुक में से कितना हो गया बेटा? ये तो हो गया इस ट्रांजेक्शन का एनालाइज कर लिया। अब आते हैं BRS पे। BRS क्या कहता है? दोनों को सेम कर दीजिए। अब कौन किसकी तरह सेम करना है, इसको देखने के लिए बैलेंस को चेक करना पड़ेगा। बैलेंस है कैश बुक का, तो इसका मतलब है कि कैश बुक चाह रहा है किसकी तरह बनाना? कैश बुक को किसकी तरह बनाना है? तो बेटा ये माइनस 700 है, दिमाग लगाना और अच्छे से बताना मुझे जवाब। इसको माइनस का 680 करना है। क्या करूं सर? प्लस 20 देख लो, माइनस 20 नहीं, क्या करूं? प्लस 20। अगर प्लस 20 करूंगा तो माइनस प्लस करके माइनस में आंसर कितना आ जाएगा, जो कि ये सेम हो जाएगा ना? तो प्लस 20 करना पड़ेगा। और इसको यहाँ पे लिखेंगे जाके, अब बिल बिल रिटायर्ड बाई बैंक अंडर अ रीबेट। बिल रिटायर्ड बाई बैंक अंडर अ रीबेट। बिल रिटायर्ड बाई बैंक अंडर अ रीबेट। और कितने की वजह से डिफरेंस आ रहा था? 20 रुपये की ना। अभी 20 को क्या करने का है बेटा? 20 रुपये प्लस कर देने। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अ चेक फॉर रुपीज 295। एक चेक है बेटा 295 रुपये का, डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब देखो, डिपॉजिट वर्ड सुनते ही ना आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। बताइए जी, डिपॉजिट करने का काम किसका? क्या किया उसने? उसने प्लस कर दिया। कितना बेटा? 295। अब ध्यान से समझना। और फिर यहाँ पे क्या हो गया? आपको पता है डिसऑनर कब होता है? जब पहले बैंक भी ना डिपॉजिट करता है। बिना डिपॉजिट किए हुए बैंक कैंसिल नहीं कर सकता किसी चेक को, उसको भी पहले क्या करना पड़ेगा? तो डिपॉजिट इसने भी किया, इसने भी किया, अभी दोनों सेम थे। ये दोनों क्या थे? अभी सेम थे। आपको आपको कभी देखना बैंक में ना, अगर आपके पास पासबुक हो, कोई चेक आपका कैंसिल हो जाए तो पहले ना, अगर आपने जमा किया है तो बैंक वाला पहले प्लस करेगा, फिर थोड़ी देर बाद बताएगा भाई साहब ज़्यादा मत खुश हो, ये कैंसिल भी हो गया। ऐसा क्यों करता है? अगर वो आपको वैसे ही बता दे ना कि आपका चेक कैंसिल हो जाए, हो गया है, तो प्रूफ नहीं मिलेगा आपको किसी को कि यार बैंक में तुमने जमा भी किया था कि नहीं किया था, ऐसे कैसे कैंसिल हो गया। मान लीजिए आपने मुझे कोई चेक दिया,
और मैं बैंक गया, बैंक वालों ने बोला जी इसमें साइन का मिस्टेक है, आप वापस ले जाओ। मैं ले आया, मैं इनको वापस दे रहा हूँ कि देखो आपका चेक ना क्लियर नहीं हुआ। आपने बोला आप बैंक ही नहीं गए थे। मैंने जी मैं गया था। कह रहा प्रूफ क्या है? और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। तो अब बैंक वाले क्या करने लगते हैं, बैंक वाले कहते हैं ठीक है आपका चेक आएगा, गलती है, उसे भी पता गलत है, डेट का है, अमाउंट का है, किसी भी तरीके के कोई भी एरर जो दिख रहा है उसको, लेकिन वो फिर भी आपके अकाउंट में पहले क्या करेगा, प्लस, उसके बाद जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, जिससे आपका वैल्यू तो वही रहेगा लेकिन आपको एक प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ भी ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अभी सवाल क्या है हमारा, ध्यान से समझेंगे। सवाल में आपने डिपॉजिट की बात हो रही है या डिसऑनर्ड पे ध्यान देना है? किस पे ध्यान देना है? डिसऑनर्ड पे। डिपॉजिट में तो मसला ही नहीं है, डिसऑनर हुआ है यानी डिपॉजिट तो हुआ ही होगा, किस में मसला है बेटा? डिसऑनर्ड पे। तो डिसऑनर में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। डिसऑनर में बैंक क्या कर रहा है, क्या कैश बुक ने किया? बैंक ने माइनस करा, कैश बुक वाले ने कुछ भी नहीं किया। कौन किसकी तरह बनना चाहता है? कैश बुक चाहता है पासबुक की तरह। तो ये -295 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्या करेगा ये बेचारा? ये भी क्या करेगा? माइनस कर लेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक जो था आपका, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, और ये माइनस में आ जाएगा इस बार 295। चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर ये माइनस में आ जाएगा बेटा 295, ये माइनस में आ जाएगा। नोट कर लिया बच्चे? कर कर चुके? आइए जी इधर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अ सम ऑफ रुपीज 800 डिपॉजिट इन द बैंक। टोटल कितना बैंक में जमा किया था सर आपने? 800 रुपये बैंक में जमा किए थे। डिपॉजिट करने का काम किसका? कैश बुक के अकाउंटेंट का। किसका? कैश बुक के अकाउंटेंट का। कह रहे 800 डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन क्रेडिट इन द पासबुक। पासबुक में क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट मतलब प्लस हुआ है, पासबुक में भी प्लस हुआ है, लेकिन कितना हुआ है? सिर्फ 80 रुपये। कितना हुआ बेटा? सिर्फ 80 रुपये। अभी मैच करेगा क्या दोनों का हिसाब किताब? नहीं कर सकता ना। देखो दो अकाउंटेंट की अगर हम लोग बात करें, कौन कौन है बेटा बताओ? फिर एक कैश बुक का अकाउंटेंट है, दूसरा बताओ किसने क्या लिखा? कैश बुक वाले ने कितना लिखा, प्लस में या माइनस में? वेरी गुड। पासबुक वाले ने 80 रुपीज़ क्या किया? प्लस। अब बताइए मैच होगा ये? कौन किसकी तरह बनना चाहता है? कैश बुक चाहता है किसकी तरह बनना? चेंज किस में लाए, क्या चेंज लाऊं? माइनस में कितना लिखूं? 720। कितना आ जाएगा? हो जाएगा ना सेम। तो अभी क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस। गुरुजी, अरे सर 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 इधर इधर, क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना? 720 माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए बेटा साथ में, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन दी पासबुक, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द पासबुक। चलिए जी, उसके बाद आएंगे 6 पे। 6 को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए पहले मैं डिस्कस करता हूँ 7 को। और ध्यान दीजिएगा 7 पे, नोट कर लिया? हाँ चलिए इधर देखिए सर, इधर अ बिल रिसीवेबल फॉर 1000। मैंने 6 को बोला ना थोड़ा सा रोक लेते हैं। बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 1000, एक बिल था बेटा कितने का? अब देखिए अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़, कभी भी बिल रिसीवेबल आपको करे ना, कभी भी आपको कन्फ्यूज़न हो, आप उसे ना एक तरीके से चेक समझ के चलेंगे। अ बिल रिसीवेबल 1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर डिसऑनर्ड। एक बिल रिसीवेबल था जिसको हमने डिस्काउंट करवाया था, वो डिसऑनर हो गया।
बहुत कुछ समझ में नहीं आया तो आप बस इतना समझो कि एक चेक जो था वो क्या हो गया है, अब बताओ जब चेक डिसऑनर होता है तो बैंक क्या करता है, बैंक प्लस करता है। सर सिर्फ डिसऑनर का पूछ रहा हूँ मैं, डिपॉजिट का नहीं पूछ रहा। डिसऑनर में बैंक क्या करता है? क्या कैश बुक के अकाउंटेंट को पता है ये बात? तो अभी समझ गया ना मेरी बात को, अब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या एक्चुअल में। लेकिन कभी भी बिल रिसीवेबल से डर लगे तो आप सीधा इसको क्या मानेंगे? चेक मान लीजिएगा। क्लियर? अब आइए, बिल रिसीवेबल एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारा कस्टमर्स के कभी कभी हमें देते हैं लिख के कि भाई साहब हम आपको ना 3 महीने या 4 महीने के बाद आपको पैसे देंगे। अब मुझे उन्होंने लिख के दे दिया लेकिन मुझे अर्जेंट था पैसों का, तो मैं सीधा बैंक में गया, बैंक वाले से बोला कि भाई साहब मेरे पास ना 1000 रुपये का एक बिल है जिससे मुझे ना 3 महीने के बाद पैसे आने हैं लेकिन मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? बैंक कहेगा जी हाँ हेल्प कर सकते हैं, आप हमसे डिस्काउंट करवा लीजिए। क्या करवा लीजिए? तो हमने पूछा जी डिस्काउंट क्या होता है? कि जी 1000 का बिल है ना, हम आपको पैसे दे देंगे लेकिन 950 रुपये देंगे सिर्फ, 50 रुपये अपने फ़ायदे, और वो 3 महीने के बाद जब पैसा आएगा तो वो मुझे मिलेगा। बैंक वाले का ये कहना है, बात समझ में? डिस्काउंट करवाना मतलब कि बैंक से जाके हम उस बिल को अर्जेंट पेमेंट ले लेते हैं, बिफोर मैच्योरिटी हमने पैसे ले लिए, तो बैंक वाले को भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना। तो हमने डिस्काउंट करवा लिया था किससे बेटा? बैंक से। कब करवा लिया था? नवंबर में ही। जबकि ये बिल का ड्यू डेट कब का था? दिसंबर का। और जब डेट आया जिसने मुझे बिल दिया था उसने कैंसिल कर दिया, वो कह रहे जी ये पैसे नहीं मेरे पास। इस सिचुएशन में बैंक तो मुझे दे चुका था, अब बताओ बैंक क्या करेगा? मुझसे पैसे लेगा या मेरे कस्टमर से मांगेगा जाके? मुझसे ही लेगा ना, उसने तो मुझे ही दिए थे। समझ में आई बात? तो अभी आपको ज़्यादा कुछ ना समझ में आए फिर भी वापस आएंगे तो आप क्या लिखेंगे? बिल रिसीवल का मतलब क्या मानेंगे आप? चेक। चेक क्या हो गया आपका? चेक डिसऑनर होगा, बैंक बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बोलो, घट जाएगा। दो अकाउंटेंट है बेटा, कैश बुक का अकाउंटेंट, दूसरा बताओ डिसऑनर में बैंक क्या करते हैं? कितना? 1000। इस बेचारे ने कुछ किया? अभी ये इसकी तरह बनने के लिए क्या करेगा? कैश बुक क्या करेगा? माइनस करेगा। कितना? 1000। तो बेटा यहाँ लिखेंगे चेक, चेक नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो बिल ही ना, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। बोलो वैल्यू, बोलो 1000। प्लस करूँ या माइनस? वेरी गुड। अभी एक लाइन रह गया है, ठीक है बेटा, अभी ये एक लाइन रह गया, इसको भी आप ध्यान से समझेंगे। और ये जो लाइन है ना, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो अभी जो लिखा हुआ है सिर्फ उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, बाकी जो इसके 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आगे जाके मैं अलग से डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस टाइप से जो लिखा हुआ ना, पेमेंट साइड अंडर कास्ट के ऊपर ना, अंडर कास्ट ओवर कास्ट के ऊपर 4 से 8 टाइप के क्वेश्चन आप समझ लो ये, ठीक है। तो 4 तो इसमें इफेक्ट होते हैं, डिपेंड करता है, 8 टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो हम अभी सिर्फ इसकी बात करेंगे, लेकिन इसको अलग से एक टॉपिक है जिसपे हमें डिस्कशन, अगर नहीं समझ में आएगा तो अलग से भी टाइम लेके सीखेंगे इसको। अंडर कास्ट, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट। अब देखिए पेमेंट साइड से तो अवेयर होंगे आप, पेमेंट साइड का मतलब क्या होता है। कैश बुक में पेमेंट साइड प्लस वाली साइड होती है, माइनस वाली? बोलो, माइनस वाली। इतना तो समझ में आया ना। अभी इस ध्यान से सुनना, अंडर कास्ट का मतलब होता है टोटलिंग एरर, टोटल में एरर हो जाना, ठीक है जी। अब इन्होंने बता दिया है आपको कि कौन सी साइड एरर हुआ है, टोटलिंग में एरर कौन सा हुआ है। तो इधर देखो बेटा, ये है आपका कैश बुक, क्या है बच्चे? कैश बुक। और कैश बुक में मैं एक ना ऐसी कोई भी फिगर ले रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। एक मैंने वैल्यू ले ली बेटा 500, और एक मैंने ले ली बेटा 300, और इस साइड ले लिया मैंने 100, और इधर ले लिया मैंने 200। इन्होंने बोला पेमेंट साइड अंडर का, ध्यान से समझना। एक ये मैं बना रहा हूँ कैश बुक, और एक मेरा स्टूडेंट यहीं पे बैठा हुआ है नालायक, कौन है वो नालायक? रेहान, ये देखो वो बना रहा है।
उसने बोला सर ये 500 है, ये 300 है, इधर वो भी 100 लिख रहा है और इधर इसने भी क्या लिखा है, 200। चलो आप अपने हिसाब से बताओ, पहले ही बताओ इधर वाला मेरे वाला हिसाब, इसका टोटल कितना आएगा? इसका टोटल लिखते तो दोनों साइड क्या है, 800। बैलेंस बोलो, बैलेंस बोलो बोलो, 500। 500। सच में क्लियर है ये हमने किया है हम लोगों ने, और ये रिहान कर रहा है, ध्यान से समझना। 5 3 8 कितना आएगा, 800। ये कौन सा साइड है, पेमेंट या रिसीट साइड? रिसीट साइड, बिल्कुल सही है। कह रहा पेमेंट साइड अंडर कास्ट, टोटल कितना हो रहा है इसका, 300। अंडर कास्ट का मतलब जब टोटल कर रहे थे ना तो कम ऐड कर दिया, हो रहा था 300, भाई साहब ने लिया 200 सिर्फ, कितना माना? कह रहा यार इधर तो हो गए 200, इधर हो गए 800, 800 में से 200 गए, बचे कितने, 600। भाई ने लिख दिए 600, कितना लिख दिया इसने, समझ पा रहे प्रॉब्लम को आप? इसको किस चीज में गलती करी है, घटाने में ये टोटल में? कौन से साइड को, क्रेडिट साइड को, कौन सी साइड को? इसी क्रेडिट साइड को हम पेमेंट साइड भी कहते हैं। टोटल में ज्यादा जोड़ दिया या कम जोड़ा? बोलो, अगर कम जोड़ा उसे कहते हैं अंडर कास्ट, ज्यादा जोड़ दिया होता हो तो ओवर कास्ट। बात समझ रहे हैं? कम जोड़ा है उसने, ज्यादा जोड़ा होता तो ओवर कास्ट। अभी कम जोड़ा है तो बताओ बैलेंस, बैलेंस पर ध्यान दो, बैलेंस का बैलेंस बताओ, हमारे कंपैरिजनली इसका बैलेंस बढ़ गया या घट गया, देख के बताओ। अभी बैलेंस देख के बताओ, ये बैलेंस है हमारा, ये बैलेंस इस नालायक का आ रहा है, बताओ देख के बैलेंस बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। यानी पेमेंट साइड, ये हमने सॉल्व करके पता लगाया कि पेमेंट साइड को अगर कम जोड़ा जाए, जितना आप कम जोड़ेंगे उतना ही बैलेंस क्या होता जाएगा सर, बढ़ता जाएगा। यानी भाई पेमेंट साइड बोले तो माइनस वाली साइड है, अब किसी चीज को आप माइनस ही नहीं करोगे तो बैलेंस क्या आएगा उसका, ज्यादा आएगा ना। तो पेमेंट साइड मतलब आपने पेमेंट साइड की टोटलिंग में कम जोड़ा है तो बैलेंस क्या हो गया, बताओ फटाफट, बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है? ये तो रेहान ने गलती करी थी। अब बात करते हैं कैश बुक के अकाउंटेंट की और पासबुक के अकाउंटेंट की। रेहान है कैश बुक का अकाउंटेंट, बताओ इस गलती से रेहान का कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया या घट गया? क्या हुआ? बढ़ गया। इसकी गलती से रेहान का जो कैश बुक का जो बैलेंस था वो क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। क्या पासबुक वाले ने ऐसी कोई गलती करी? नहीं करी। इस क्वेश्चन में क्या बोला था देखो, इस क्वेश्चन ने हमें बोला कितना अंडर कास्ट हुआ था, तो इसकी 200 से इसका बैलेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया था। अभी हमने एग्जांपल लिया था 100 रुपये का, तो बैलेंस कितने से बढ़ा हुआ दिख रहा था आपको, 100 का? नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा सर, नहीं याद आ रहा। यहाँ पे देखो हमने कितने गड़बड़ किया था, तो बैलेंस भी कितने का डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला 200 रुपये से अंडर कास्ट है, यानी 200 रुपये से बैलेंस बढ़ गया। अगर 200 रुपये से कैश का बैलेंस बढ़ा है तो क्या पासबुक में भी ऐसा एरर हुआ था? अभी बोलो कौन किसकी तरह बनना चाहता है, कैश बुक किसकी तरह? तो अगर कैश बुक को पासबुक से बनाओगे तो क्या करेंगे, माइनस कितना, माइनस का 200। बात समझ में आई? तो बेटा ये 200 रुपये को अपने वो माइनस करना है, और यहाँ लिखेंगे जो क्वेश्चन अंडर कास्ट का मतलब कम जोड़ा गया, तुम्हारे दिल की बात सुन ले रहा हूं मैं, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, अब कुछ और मत बोल देना दिल में, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। तो क्वेश्चन जब भी आएगा बेटा अंडर कास्ट, ओवर कास्ट, पेमेंट साइड, रिसीट साइड, ऐसे करके आता है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने दिमाग में बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है, और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है? अभी ये समझ में आया अंडर कास्ट वाला? अच्छा अभी हमने ये करा, लेकिन नालायक आप लोगों ने ना ये नहीं उतारा होगा, जितने भी हम लोग अभी तक कैलकुलेशन कर रहे थे, ये वाले कैलकुलेशन या ये वाला कैलकुलेशन, या इससे पहले हमने ये किया, नहीं नोट किया ना। और एक्चुअल में मेन काम किसका है बेटा, ये स्टेटमेंट का नहीं है, यही काम है, जब आप भूलेंगे ना तो यही याद दिलाएगा आपको कि किस क्या चेंज आया था। क्लियर है? तो चलिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। पहले तो कौन सी साइड ज़्यादा लग रही है,
देख के बताओ। वेरी गुड, कितनी अच्छी बच्ची है। हाँ सही बोला उसने, नहीं है ना बेटा, इसमें ये 10,000 दिख रहा है आपको। अरे ये 10,000 की वैल्यू है ना, तो ये 10,520 रुपये आ रहा है टोटल, प्लस वाली साइड ज़्यादा है, 10,520, इधर भी 10,520 लिखने का है, और फिर माइनस करना 10,520, 295, 720, 200, माइनस 1,000, 8,305। मेरा यही आ रहा, तुम्हारा भी यही आ रहा है, 8,305। चलो जी बताओ 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 बच्चे, यहाँ तक हो गया। अभी बताओ जो मैंने यहाँ लिखा था उसी को यहाँ चिपकाना है। बताओ यहाँ पे डेबिट लिखा था, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा था, ध्यान से सुनो, यहाँ पे बैलेंस कौन सा लिखूँ, बैलेंस एज पर पासबुक, ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से बेटा। इस सिचुएशन में इधर देखो ना पहले, अरे सुनो तो सुनो ना यार, ये कौन सा साइड ज़्यादा था इसमें, प्लस वाला माइनस वाला, थोड़ा सा सोच के बोलो ना, कौन सा ज़्यादा है, प्लस वाला ज़्यादा। अगर पासबुक का प्लस वाला ज़्यादा आ जाए तो उसे डेबिट बोलेंगे क्रेडिट बोलेंगे, पासबुक में प्लस बोले तो क्या, क्रेडिट बैलेंस, क्या बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। बात समझ में आई, और नहीं भी समझ में आए तो क्रेडिट को छोड़ देना, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा, 2-4-5 क्वेश्चन में अच्छा होता चला जाएगा आपका ये। अब आप इसको नोट करोगे जो मैंने लिखवाया था, कहाँ गए भाई। तो बेटा इसी सॉल्यूशन के नीचे यहाँ पे लिख लो 0.2, फिर फर्स्ट वाला तो डेबिट बैलेंस ही था ना बेटा, तो पहले 0.2, फिर 3, फिर 4, जब इतना हो जाए तो बताना मेरे को। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपने दोबारा से इस क्वेश्चन को करना है घर पे।